से खबर, जमीन विवाद में जमकर के मारपीट, धारदार हथियार से किया गया हमला, चार लोग दोनों पक्षों के घायल। जहानाबाद में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, संजीवनी इमरजेंसी अस्पताल पर अनुमंडल पदाधिकारी ने मारा छापा, जांच के बाद अस्पताल को किया गया सील। नवादा जिले में आहर किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का मिला शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेगूसराय में नवाजियों का तालिबानी फरमान, मस्जिद में झाड़ू न लगाने पर कोड़े से नाबालिग को भी जमकर के पीटा। अवैध शराब के खिलाफ जमशेदपुर में उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, छोटा बंकी में चलाया छापेमारी अभियान। गढ़वा में बड़गढ़ ओपी क्षेत्र से 10 दिनों से गायब शख्स का जंगल में मिला शव, कपड़े से हुई मृतक की पहचान, 5 जून को भैंस खोजने निकला था व्यक्ति। बेगूसराय में ट्यूशन पढ़ने गए बच्चे के साथ रेप, शिक्षक ने दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम, गढ़पुरा थाना क्षेत्र के करोसी गांव की घटना। गढ़पुरा थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ करने का प्रयास किया गया है, एक लड़के के द्वारा उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, हम लोग मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं दोनों का और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बगहा में नशाखोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने 17 किलो गांजा के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, बिहार में शराबबंदी के बाद बढ़ी है गांजा की मांग। बगहा में भैरवगंज के थानाध्यक्ष पर गिरी गाज, स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज, SP ने थानेदार राम उदय सिंह को किया सस्पेंड। नालंदा में लू लगने से होमगार्ड जवान की ड्यूटी पर मौत, यातायात पुलिस में ड्यूटी पर था तैनात होमगार्ड। बगहा में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन, खनन विभाग और रामनगर पुलिस की टीम ने की रेड। समस्तीपुर में पोल से बांधकर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, महिला के घर में घुस रहे युवक को लोगों ने पीटा, न्यूज स्टेट नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। मधुबनी में परिवहन अभिकर्ता पर फर्जीवाड़े का आरोप, टेंडर मामले में 20 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा आया सामने, नगर थाना में केस हुआ दर्ज। कैमूर में राजस्व कर्मचारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, मामले में कर्मचारी पर DM ने लिया एक्शन, भभुआ पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को किया गिरफ्तार। झारखंड में अवैध खनन में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का फरार आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव का आतंक जारी, गुर्गे के साथ साहिबगंज की गंगा नदी में मरीन SB मालवाहक जहाज पर बोला धावा। दानापुर के जनकधारी लालमय युवक की गोली मारकर की हत्या, ऑटो चालक के रूप में हुई मृतक की पहचान, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। भोजपुर में युवक को अपराधियों ने मारी गोली, घायल युवक का अस्पताल में चल रहा इलाज, आपसी विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई महिला, महिला सहित 1 बच्चे की मौके पर ही मौत। छपरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, मशरक में CSP संचालक से 50,000 की लूट, फिनो पेमेंट बैंक के CSP संचालक से लूट। पूर्णिया के अमौर में बरबट्टा के मुखिया गुलाम अजहर पर जानलेवा हमला, गोलीबारी में बाल बाल बचे मुखिया। जम्मू के सोनो में दबंगों ने महिला का बनाया अश्लील वीडियो, पीड़ित महिला के साथ मारपीट का आरोप, गांव के दबंगों पर दबंगे का लगा आरोप। चतरा के लावालौंग में नाबालिग छात्रा की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेमी ही निकला छात्रा की हत्या का आरोपी प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लावालौंग थाना क्षेत्र के ग्राम कोटम के जंगल से एक छात्रा का शव बरामद किया गया था और उनके जिसकी पहचान कोटम निवासी के रूप में हुई थी, उनके परिजनों का आरोप था कि छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद इसकी हत्या की गई है, ऐसी आशंका थी। इस संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष छापामारी दल साथ ही साथ SIT का एक गठन किया गया था। छापामारी दल ने त्वरित अनुसंधान करते हुए महज 48 घंटे के अंदर इस घटना का उद्भेदन कर लिया है, साथ ही साथ इस घटना में शामिल जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। बाढ़ के बख्तियारपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान, चोरी के साथ बाइक पुलिस ने की बरामद, भारी मात्रा में शराब भी किए गए।
भागलपुर के अकबर नगर में अनुज कुमार हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड के मास्टरमाइंड दिलीप सिंह किए गए गिरफ्तार। चतरा में अफीम के साथ दो महिला तस्कर गिरफ्तार। गया में अफीम की खेप को पहुंचाने की थी योजना, पुलिस ने बस से किया दोनों महिलाओं को गिरफ्तार। हाँ, ये लगातार दो तीन कार्रवाई हम लोगों के द्वारा किया गया चतरा जिले में, उसमें हम लोगों ने देखा है कि बस से वो तस्कर जो होते हैं वो अफीम या मादक पदार्थ को लेकर के आगे जा रहे हैं और लगातार इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये गलत है, लोगों को यह संदेश देने का काम कर रहे हैं कि इस तरह के कार्य में संलिप्त ना रहें। कोई महिला या कोई पुरुष, सबके लिए कानून समान है और चतरा पुलिस उस पर कठोर कार्रवाई करेगी। गोपालगंज में NH-27 के किनारे पुलिया के नीचे मिली अज्ञात युवती की लाश, पूरे इलाके में फैली सनसनी। गोपालगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को मारी जोरदार टक्कर, एक युवक की घटनास्थल पर मौत। बोकारो में बेकाबू होकर पलटा वाहन, सवारी सात लोग में से दो की मौत, पांच घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने रौंदा, हादसे में घायल युवक के इलाज के दौरान मौत। सुपौल में सड़क पार करने के दौरान बाइक की चपेट में आई महिला, इलाज के दौरान सदर अस्पताल में घायल महिला की मौत। पूर्णिया के सर्वोदय नगर में छत से गिरने से एक महिला की मौत, वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। धनबाद में अपराधियों का दिखा तांडव, महिला टीचर और उनकी बहन पर अपराधियों ने किया जानलेवा हमला, सुरक्षा व्यवस्था पर पीड़ितों ने उठाई सवाल। भागलपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ई रिक्शा और ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत, पांच लोग हुए जख्मी। नवादा से पटना जा रही सरकारी यात्री बस धमोली गांव के पास हो गई हादसे का शिकार, बस में सवार 10 में से अधिक लोग घायल, बेना थाना की पुलिस ने चलाया राहत और बचाव अभियान। आरजेडी विधायक रीतलाल के बयान पर सियासी बवाल, दानापुर में बीजेपी नेता आशा सिन्हा ने सामूहिक सुंदरकांड पाठ का कराया आयोजन। राम मंदिर के लोग चर्चा करता है तो रामचरितमानस जो लिखा गया था आपको याद होगा एक मस्जिद में लिखा गया था, इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था, उस वक्त मुसलमान भगा देना नहीं था हिंदुत्व देश से, भगा देना चाहिए था। हम तो कहते हैं कि अगर जो आप सच्चा हिंदुत्व का सहभागी बनना चाहते हैं तो अपने पार्टी से जितना हिंदू मुस्लिम लोग हैं सबको निकाल दीजिए, भगाइए अपने पार्टी से। नेहरू म्यूजियम का नाम बदलकर किया गया प्रधानमंत्री म्यूजियम, नाम बदलने पर बिहार में राजनीति शुरू, जेडीयू ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी ने किया पलटवार। किसी शहर का नाम बदल देने से बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल जाता, भाजपा की सरकार में कई शहरों के नाम बदले गए लेकिन उनके हालात में क्या परिवर्तन हुए? अगर ये कहते हैं कि बिहार शरीफ का नाम बदल देंगे तो बिहार शरीफ का नाम बदल देने से क्या होता है? बिहार सरकार ने तो, नीतीश कुमार जी ने तो अनेकों योजनाएं जो है बिहार शरीफ के अंदर लगा करके पूरे नालंदा के विकास के लिए, पूरे बिहार के विकास के लिए अच्छा काम किए, तो ये काम रिजल्ट देता है, काम बोलता है, नीतीश कुमार का काम बोलता है। महागठबंधन से बाहर निकलने के बाद अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं जीतन राम मांझी, मांझी के सचिन के बेटे संतोष सुमन भी हो सकते हैं मौजूद। मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक राजू सिंह के आवास पर चिपकाया गया नोटिस, सरेंडर नहीं करने पर होगी घर की कुर्की। मधुबनी पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश युवा अध्यक्ष हिमांशु पटेल, युवा चेतना परिचर्चा कार्यक्रम में की शिरकत। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की हुई बैठक, बिहार कर रहा समिति की 13वीं बैठक की मेजबानी। रांची में अधिकारियों के साथ सीएम सोरेन की बैठक, करीब 8 घंटे की बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त रहे मौजूद। मीटिंग में हेमंत सोरेन ने राजस्व, भूमि सुधार विभाग, ऊर्जा विभाग सहित 13 विभागों में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। नई पीढ़ी को एंगेज करने के लिए हम लोगों ने पोटो हो खेल मैदान बनाने का और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है। इसी तरीके से हम जो सरकार की जो विजन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एस्टेब्लिश करना, खड़ा करना, उसमें जरूर हमें कामयाबी मिलेगी।
रांची में दो दिवसीय झारखंड दौरे पर सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, पार्टी कार्यालय में हुआ जोरदार स्वागत, आसन की घटना पर पीएम पर साधा निशाना। मोदी गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली फेल्ड टू टैकल द बेसिक इश्यूज ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। मिस्टर मोदी प्रॉमिस्ड ही विल गिव अस गुड गवर्नेंस, ही विल गिव अस मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, बट व्हाट वी विटनेस टुडे इज नॉट गवर्नेंस, इट इज मिसगवर्नेंस ऑफ मिस्टर मोदी एंड बीजेपी। पूर्व आईपीएस राजीव रंजन सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। इस प्रदेश को कैसे खुशहाल और विकसित बनाया जाए, इस प्रदेश को कैसे पूरे देश में जो भ्रष्टाचार के लिए ये प्रदेश जाना जाता है, इस कलंक को कैसे मिटाया जाए, ये मेरा मिशन है, ये मेरा लाइफ का गोल है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर इस मिशन को पूरा किया जा सकता। पूर्व सीएम रघुवर दास ने रांची कैंसर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र का किया दौरा। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मदन मोहन पांडे ने अस्पताल के बारे में दी पूर्व सीएम को जानकारी। बीजेपी ने खूंटी के कुंजला आप बगान में लोकसभा चुनाव को लेकर के एक विशाल जनसभा का किया आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, यूपी के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह समेत पूर्व सांसद कुड़िया मुंडा हुए शामिल। इस योजना को कैसे पूरा किया जाए, राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए राशि दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ राज्य सरकार उसमें अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रही है, अलग बात है, क्योंकि उनकी व्यस्तता कहाँ है आप अखबार पढ़ने से अंदाजा लगा सकते, वो किस काम में व्यस्त है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऐसे गाँव गरीब किसान मजदूर लोगों को लाभ मिलने वाले कितना ध्यान। कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास दो दिवसीय दौरे पर रविवार को पहुंचेंगे रांची। खूंटी के पुलहातू जाकर के भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। चूंकि 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस था और 19 जून को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है। इस दोनों जन्म दिवस के बीच में हमने ये संकल्प लिया कि इस यात्रा को झारखंड के अंदर में लाने का बहुत आवश्यकता है और सच्चा श्रद्धांजलि अपने पूर्वज हमारे भगवान बिरसा मुंडा को कैसे दिया जाए, इसके लिए भगवान बिरसा मुंडा के अहियातू खूंटी से ये यात्रा प्रारंभ होगा और वो यात्रा बापू बाटिका मोराबादी में खत्म होगा। पूजा सिंघल के करीबियों की बढ़ रही है मुश्किलें। हजारीबाग के कोयला कारोबारी और पूजा सिंघल के करीबी इजहार अंसारी को पूछताछ के लिए दिल्ली भेजा समन। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने रांची के सिविल कोर्ट में किया सरेंडर, कोर्ट ने एक्ट्रेस को दिया अग्रिम जमानत। मैंने अमीषा पटेल के ऊपर 2018 में चेक बाउंसिंग का केस किया था, उन्होंने मेरे से फ्रेंडली तौर पे 3 करोड़ रुपया लिया था और उसी सिलसिले में 5 सालों से कोर्ट के साथ भाग रही थी। जब भी कोर्ट उनको सम्मन वारंट कर रहा था, कभी हाई कोर्ट चली गई, कभी सुप्रीम कोर्ट चली गई, जब सारे दरवाजे बंद हो गए और कोर्ट ने जब अपने टाइट स्टेप लिया कि आपको कोर्ट में सरेंडर होना पड़ेगा, नहीं तो आपको गिरफ्तारी की जाएगी, आपकी गिरफ्तारी लाया जाएगा, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में सरेंडर किया और अपने बेल बाउंड फाइल किया। रांची में पारा शिक्षकों का दिखा आक्रोश, वेतनमान सहित कई मांगों को लेकर के पारा शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन। सीएम आवास के घेराव से पहले पुलिस ने पारा शिक्षकों को रोका। वेतन समेत कई मांगों को लेकर के पारा शिक्षक का रांची में आंदोलन। पारा शिक्षकों के आंदोलन को देखते रांची में सुरक्षा व्यवस्था रही चौकस। सीएम हेमंत सोरेन आगामी 19 जून को पहुंचेंगे चतरा के सिमरिया करबला मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को सीएम सोरेन करेंगे संबोधित। सीएम हेमंत सोरेन से मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड की विजेता डॉक्टर अपराजिता सिन्हा ने अपने माता पिता के साथ की औपचारिक मुलाकात। जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप विजेता दीप्ति कुमारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मौके पर मुख्यमंत्री ने दीप्ति कुमारी को दिए 2 लाख रुपए का चेक। धनबाद में पुराना बाजार में नगर निगम का चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, 12 से ज्यादा दुकानों पर की गई कार्रवाई, सड़कों पर जलजमाव की होती थी स्थिति।
दक्षिण बिहार में अगले 48 घंटे तक भीषण लू चलने की संभावना। आईएमडी ने रेड अलर्ट किया जारी पटना, गया, नालंदा और शेखपुरा में। रात में भी लू चलने के आसार। बोकारो में वन प्रमंडल चास के पास फैली आग, प्लांटेशन एरिया में लगी भीषण आग। नवादा में दिखा आग का भीषण तांडव, आलू प्याज मंडी की एक दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई राख। रामगढ़ में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर से कसम परेड का हुआ आयोजन, जिसमें कि 111 नव प्रशिक्षित अग्निवीर जवानों ने देश सेवा के लिए शपथ। राज्य में राज्यपाल के एकेडमिक सलाहकार ने किया राज्य ओपन यूनिवर्सिटी का निरीक्षण, डॉक्टर ई बाला गुरुस्वामी ने दिए जरूरी निर्देश। दानापुर में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए पहले बैच के 420 जवानों को शपथ ग्रहण समारोह, कर्नल ऑफ द बिहार रेजिमेंट ने जवानों को दिलाई शपथ। सुपौल में राज्यकर्मी के दर्जे की मांग को लेकर के किसान सलाहकार संघ का विरोध मार्च, डीएम को सौंपा मांगों का ज्ञापन। धनबाद में एक महिला का झरिया थाना की पुलिस पर गंभीर आरोप, बेटे समेत कार को जब्त कर गुमनाम जगह पर रखने का पुलिस पर आरोप। धनबाद में ऑटो चालक की बिटिया ने नीट परीक्षा में किया कमाल, 612 अंक लाकर के प्रिया पाल ने लहराया पर्चा। नीट में ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पढ़ाई में गाइडेंस मुझे मेंटली सपोर्ट मिला था एनजीओ जिसका नाम है प्रयास इंडिया, एवं ऑनलाइन मैंने घर से स्टडी की थी पीडब्ल्यू से। इस पूरे परीक्षा में मैंने 612 अंक हासिल किए एवं 98.89 परसेंटाइल प्राप्त किया है। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने किया पदभार ग्रहण, सदस्य राकेश सिन्हा ने भी संभाला पदभार। धनबाद में कई प्राइवेट स्कूलों के देखिए मनमानी, डीसी के आदेश की भी की जा रही अनदेखी, गर्मी को देखते हुए स्कूल बंद के निर्देश के बावजूद खुले दिखे स्कूल। बेगूसराय में मांगों को लेकर के बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का विरोध प्रदर्शन, सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। भागलपुर में TMBU के VC प्रोफेसर जवाहरलाल की कार्यशैली के खिलाफ विरोध जारी, अनुदान का भुगतान नहीं होने को लेकर के कॉलेजों के कर्मी 9 दिनों से दे रहे धरना। भागलपुर में जिला विधि लिपिक संघ की ओर से शपथ ग्रहण समारोह का हुआ भव्य आयोजन, नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत कई सदस्यों को दिलाई गई शपथ। गया पुलिस ने मोबाइल चोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, लूट और चोरी के 42 मोबाइल किए जब्त। भीषण गर्मी के बीच बिजली की कटौती से भागलपुर के लोग परेशान, बिजली विभाग के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। भोलानाथ पुल कई साल से भागलपुर में बना हुआ राजनीतिक मुद्दा, नहीं हुआ कोई निदान, बरसात के मौसम में अक्सर नाले के पानी से बन जाती है जाम की स्थिति। साहिबगंज में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, भीषण गर्मी में पानी की हो रही किल्लत। गया में भीषण गर्मी से परेशान लोग, 43 डिग्री तक पहुंचा पारा, अगले 5 दिनों तक राहत मिलने के नहीं अनुमान। बांका में भी भीषण गर्मी से परेशान लोग, मौसम विभाग ने भी हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक धूप से बचने की लोगों को सलाह। भीषण गर्मी के चलते गढ़वा में बड़ी पानी की किल्लत, शहर में नहीं मिल रहा पीने के लिए पानी, शहरी जलापूर्ति योजना भी सालों से अधर में लटकी। अरवल के कलेर और करपी प्रखंड में बिजली कटौती से हाहाकार, शहर में 3 घंटे मिल रही है बिजली, विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। ओडिशा के पुरी में अंतिम दौर में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी, इस साल 20 जून को निकाली जाएगी यात्रा। पुरी में रथ यात्रा को लेकर के लोग उत्साहित, रथ यात्रा शुरू होने से 2 दिन पहले सभी तैयारियां पूरी। मुंबई के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया गया नमाज, अभिभावकों के विरोध के बाद एक टीचर सस्पेंड। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध दरगाह तोड़ने पर भीड़ ने पुलिस चौकी पर किया हमला, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, हमले में डिप्टी SP घायल। जूनागढ़ अवैध दरगाह मामले में हमले के बाद पुलिस ने लिया एक्शन, आक्रोशित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। दिल्ली में एक पेट्रोल पंप के पास कार चालक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, घायल स्कूटी सवार का इलाज जारी। मुरैना में खड़े डंपर में भिड़ी बस, 3 की मौत, 10 से ज्यादा यात्री घायल।
पश्चिम बंगाल के हुगली में जगहों पर गिरी आकाशीय बिजली, 3 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के दौसा में फूड पॉइजनिंग की वजह से 300 लोग बीमार, मामले की जांच जारी। अगरतला में एमबीबीआई हवाई अड्डे की जांच की गई, सुरक्षा व्यवस्था किया गया मॉकड्रिल। हिंदू सेना ने फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका, फिल्म में हिंदू संस्कृति और परंपराओं का मजाक उड़ाने का आरोप। आदि पुरुष को लेकर के स्वामी चक्रपाणी का बयान, हिंदुओं के पौराणिक चरित्र को बदनाम करने की साजिश। चंबा में मनोहर मर्डर मामले में बीजेपी का प्रदर्शन। चंबा में दलित की हत्या के बाद अभी भी तनाव, पूरे इलाके में धारा 144 लागू, हत्या के बाद भीड़ ने फूंक दिया था आरोपी का घर। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी की हिरासत में भेजा गया, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 23 जून तक ईडी कस्टडी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, कुपवाड़ा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 5 आतंकियों को किया ढेर। मोदी सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का बदला नाम, अब प्रधानमंत्री म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा, कांग्रेस ने किया विरोध। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा के बाद ग्राउंड जीरो पर राज्यपाल आनंद बोस, प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, भीड़ ने केंद्रीय मंत्री आर के रंजन सिंह के घर में लगाई आग। केंद्रीय मंत्री के घर पर पेट्रोल पंप से किया हमला, घर में लगी आग, गाड़ियां जलकर खाक। नाबालिग से शोषण में ब्रजभूषण को राहत के बाद पहलवानों को लेकर के फैसला, हंगामे को लेकर विदेश साक्षी, बजरंग पुनिया पर लगे केस वापस लेगी पुलिस। पहलवान साक्षी मलिक बोली, एक दो दिन में चार्जशीट देखने के बाद लेंगे अगला एक्शन, इंसाफ की जंग रहेगी जारी। गुजरात के बाद राजस्थान में तूफान बिपरजॉय की दस्तक, कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, पेड़ और खंभे उखड़े। तूफान बिपरजॉय के चलते राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही और जोधपुर जिले के लिए जारी किया अलर्ट।